हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज सुबह दी के यहाँ हवन था ऊपर, तो मैं वहाँ चली गई थी, थोड़ी देर वहाँ बैठी रही। वहाँ मुझे लेट हो गया था, हवन तब तक खत्म हो चुका था जब तक मैं ऊपर गई। उसके बाद मैं चली गई थी छत पे थोड़ी देर बैठने के लिए धूप में दादाजी के साथ। दादाजी किताब पढ़ते पढ़ते कुछ सोच रहे थे और शाम को मेरी फ्रेंड घर आने वाली थी। मैंने आपको बताया था आज मेरी फ्रेंड आने वाली है घर, तो ये आ चुकी है, लेट हो गया। देख लो अब अंधेरा होने वाला है, 6 बज चुके हैं। उसके बाद ये घर आई, हमने थोड़ी फोटोज वगैरह क्लिक की, वीडियोस वगैरह बनाई, और ये अपना फोन चार्ज नहीं करके लाई थी, वो इसने लगाया। मतलब हद है, फोन में 2% बैटरी है इसके, लेकिन फिर भी फोन चार्ज पे लगा के फोन चला रही है और मेरी वीडियो बना रही है। कह रही तेरी वीडियो बनाऊंगी, मैंने कहा बना ले तो मैं तेरी बनाऊंगी। फिर मैं इसकी वीडियो बनाने लगी, मेरी वीडियो बनाने लगी। उसके बाद मैं रेडी हो गई थी और हमें जाना था बाहर मार्केट घूमने के लिए, और हमारा एक फ्रेंड और है जिसका फोन आया था, वो कहने लगा मुझे भी टाइम लगेगा आने में, तुम मेरा वेट करो। अंधेरा वैसे ही हो चुका था, तो हमने आधा घंटा और वेट किया। 20 मिनट वेट करने के बाद हमने सोचा पैदल चलते हैं बाहर की तरफ, क्या पता वो हमें रास्ते में ही मिल जाए। तो हम दोनों घर से निकल गए थे। हम इतने दूर आ गए थे पैदल चलते चलते, बट हमारा फ्रेंड अभी तक नहीं आया था। मैंने उसे कॉल किया, फिर वो आया और हम आगे तक पहुंच चुके थे पैदल चलते चलते। मुझे आ रहा था बहुत ज़्यादा गुस्सा, पूरा 1 घंटे बाद आया है, इतना ज़्यादा लेट हो गया हमें। उसके बाद हमने डलवाया था पेट्रोल, क्योंकि बाइक में पेट्रोल नहीं था, वो डलवाया। उसके बाद हम चले गए थे नहर किनारे, हमने सोचा वहाँ बैठेंगे थोड़ी देर, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इतना रश देखने के बाद ना मेरा मन नहीं हो रहा था कि यहाँ पर बैठेंगे, तो हमने डिसाइड किया कि दूसरी साइड जाके बैठ जाते हैं, शांति सी जगह में, थोड़ा बात भी हो जाएगी और थोड़ा मतलब वीडियो वगैरह भी मैं बना लूँगी। तो हम पैदल पैदल चलते रहे, तो मैंने सोचा फ्रूट्स भी ले लेती हूँ, बट फिर मैं सोचने लगी जब हम घर जाएंगे ना तभी मैं फ्रूट्स ले लूँगी, अभी फ्रूट्स लेके क्या फायदा, क्योंकि मुझे लेने का मन था अमरूद। जैसे आजकल विंटर का सीजन आ चुका है तो अमरूद जैसे आ रहे हैं, तो वो खाने का मन था, क्योंकि सीजन के फ्रूट तो सीजन में ही अच्छे लगते हैं ना। और ये मेरी फ्रेंड मुझसे गुस्सा हो गई थी, आगे आगे जा रही है, ये मुझे कह रही थी कि तू वीडियो ही बनाती रहती है, तो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। मैंने कहा थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद तेरे से आराम से बात करूंगी। तो वो ना आगे चली गई थी, मैं पीछे भी जा रही थी, मैं उसे आवाज लगा रही थी रुक जा, बट वो नहीं सुन रही थी मेरी बात। फिर मैंने उसे बड़ी मुश्किल से रोका, समझाया, और हम जाके बैठ गए थे नहर किनारे। यहाँ का व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है, शांत बिल्कुल। हम पानी में पैर डाल के बैठे थे, हम मैंने वीडियोस वगैरह बनाई, थोड़ी देर हमने बातें की, फिर हमने सोचा कि कुछ जाके खा लेते हैं, मतलब हम बाहर आए हैं इतने दिनों बाद साथ में, तो कुछ फास्ट फूड वगैरह खाते हैं। तो मैंने कहा कि गोलगप्पे खा लेते हैं, दही वाले, मुझे दही वाले गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है। नॉर्मली भी मैं पानी वाले खाने पसंद करती हूँ, बट मुझे पानी वाले ना सूजी के अच्छे लगते हैं, कोई कोई आटे के खाते हैं, बट मुझे सूजी के गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर भीड़ लगी थी, तो भैया ने बोला थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। मैंने कहा ओके भैया। वेट करने के बाद हमारे गोलगप्पे आ चुके थे, मतलब मेरा फ्रेंड लेने गया अभी, वो लेकर आया नहीं है, तो ये लेकर आ रहा है। उसके बाद हमने गोलगप्पे खाए थे, अरे वाह मज़ा आ जाता है। तो मुझे देख के हंस रहा है कि उसे पता है ना मुझे गोलगप्पे कितने पसंद है। यहाँ पे देखो दोनों चेयर्स कर रहे हैं, मैंने बोला करो करो तुम दोनों स्टार्ट करो, फिर मैं भी खाऊंगी। वीडियोस वगैरह बनाने के बाद मैंने और मेरी फ्रेंड ने, हम दोनों ने मिलकर गोलगप्पे खाए थे, उसने मुझे खिलाए, मैंने उसे खिलाए थे। गोलगप्पे खाने के बाद हम फ्री हुए, तो हमें लग रही थी प्यास, तो हमने सोचा क्या पिए, तो हमें भैया दिखे जो गन्ने का जूस बना रहे थे, तो हमने सोचा यही पी लेते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं पीती, काफी दिनों से मैंने कोल्ड ड्रिंक छोड़ रखी है, वो भी इसलिए क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं रहती। भैया ने गन्ने का जूस तैयार कर दिया था, तो हम तीनों ने मिलकर वो पिया था। उसके बाद ना गौरव का मन कर रहा था, मतलब जो मेरा फ्रेंड है उसका नाम गौरव है, उसका मन कर रहा था कि हम जाके थोड़ी देर नहर किनारे और बैठे, पानी में पैर डाल के बैठते हैं, क्योंकि अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, सिर्फ 7 ही बजे थे, वो तो बस विंटर में आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो अंधेरा ज्यादा लग रहा है। और ना यहाँ पर हम बैठे थे, बट ये दोनों फोन चलाने पे लगे हुए, इन्होंने बातें नहीं की, मैं तो वीडियो बना रही थी, बट ये दोनों कंटिन्यूसली फोन पे लगे हुए थे, अपना फोन पे चैटिंग कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। मैंने कहा चलो घर चलते हैं, बहुत हो गया यहाँ पर। उसके बाद हम चले गए थे घर। बस फिर हम
घर पहुंचने ही वाले थे, आपको मिलते हैं।